दोस्तों फ्लिप फोन्स के मार्केट की दुनिया में ओप्पो की तरफ से भी एक और नया फ्लिप फोन आ गया है और ये फोन है ओप्पो फाइंड N3 फ्लिप 5G। इसे खरीदने के लिए आपको दो चीजों का पता होना जरूरी है। एक तो ये कि ये फोन आपको फ्लिपकार्ट या फिर ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा और दूसरी बात ये कि ये 12 अक्टूबर से इस फोन की प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे 7:30 बजे से। यानी कि अगर प्री ऑर्डर पर इसे आप बुक करते हैं तो आपको 2-3 या फिर 4,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज प्री ऑर्डर की डेट खत्म होने के बाद इसे आप ऑर्डर करेंगे तो ऑब्वियसली जो फोन की प्राइस होगी उसी के ऊपर आपको ये फोन मिलेगा, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। फोन के बॉक्स के अंदर आपको फोन के अलावा एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाएगी, टाइप ए टू टाइप सी वाली डाटा केबल मिल जाएगी, फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए केस कवर भी आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएगा और साथ ही साथ 44 वोल्ट का एक चार्जर फोन के साथ आपको मिल जाएगा। और हाँ, 4300 mAh की ही आपको इस फोन के अंदर बैटरी मिलेगी। हाँ, बैटरी थोड़ी कम है, मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद 5000 mAh की मिलेगी, लेकिन नहीं, 4300 mAh की बैटरी है और 44 वोल्ट का चार्जर। ओप्पो के इस फ्लिप फोन के अंदर आपको दो डिस्प्ले मिलेंगी, एक तो बाहर वाली जब आप फोन को फोल्ड करेंगे तो वो छोटी डिस्प्ले रहेगी 3.26 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले, जिसके अंदर 800 निट्स से लेकर 900 निट्स तक की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। और अंदर वाली डिस्प्ले जब आप फोन को अनफोल्ड करेंगे तो वो रहेगी लगभग 6.8 इंच की LTPO वाली AMOLED डिस्प्ले, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसके अंदर आपको 1200 निट्स से लेकर 1600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी और साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी। कैमरास के बारे में बात करूं तो इस फोन के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रहेगा OIS के सपोर्ट के साथ, साथ ही दूसरा 48 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और तीसरा 32 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा रहेगा। वो फ्रंट के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग आप फ्रंट और मेन कैमरा दोनों से 4K के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। अब बात करें प्रोसेसर परफॉर्मेंस की तो वो इसके अंदर काफी शानदार मिल जाती है। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9200 का एक 4 नैनोमीटर का 5G प्रोसेसर मिल जाता है, साथ ही NPDDR5X RAM और UFS 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है और साथ ही साथ कलर OS 13.2 के साथ Android 13 मिल जाता है। अब रीड और राइट की स्पीड देखे तो काफी अच्छी दी गई है। आपको BGMI खेलना है या फिर और कोई अदर गेमिंग करनी है आपको इस फोन के अंदर तो हाँ, आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और कोई हैवी टास्क वगैरह करना है, कोई वीडियो एडिटिंग आपको थोड़ी बहुत करनी है तो ये फोन आराम से हैंडल कर लेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर काफी अच्छा दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये फोन के अंदर UFS 4.0 का सपोर्ट दिया गया है, इसका फायदा ये होता है कि फोन के अंदर मिनिमम स्टोरेज 256GB से ही शुरू होता है। इस 128GB का आप अगर लेना चाहेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि UFS 4.0 सपोर्ट ही 256GB को करता है कम से कम। तो यानी कि हमें एक चीज पता चलती है, वो ये कि फोन का मिनिमम स्टोरेज हमें 12GB 256GB देखने को मिलेगा और दूसरा वेरिएंट हमें 12GB 512GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा। यानी कि दो वेरिएंट्स हमें इस फोन के देखने को मिलेंगे और अदर फीचर्स जैसे कि स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाएगा, NFC का सपोर्ट मिल जाएगा और वाईफाई 7 का सपोर्ट मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल जाएगा और ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे। और प्राइस लगभग वही स्टार्ट होगी, 75,000 रुपए के आसपास इंडिया में शुरू हो जाएगी और अगर प्री ऑर्डर पर बुक करेंगे तो हो सकता है आपको और डिस्काउंट थोड़ा मिल जाए, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना।